जब कंगना की बातें होती है ना तो कंगना हमेशा पॉलिटिकल चीज़ों में घुसती है। आई बिलीव कि कंगना को फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए, वो उसके लिए बहुत अच्छा प्लेस है, वहाँ बैठ कर जितना बोलना है बॉलीवुड के लिए बोलती रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फॉर मी बॉलीवुड हमेशा सुपीरियर है हर चीज़ से, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं कंगना को अपने से बहुत अलग रखूंगी और मैं कॉन्ट्रोवर्सीज में घुसना नहीं चाहती थी, कॉन्ट्रोवर्सीज मेरे घर में घुस गई थी, इसलिए मुझे सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। बट हाँ, अभी चीज़ें अच्छी हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप बॉलीवुड का खा रहे हैं तो आप बॉलीवुड के बारे में गलत मत बोलो। लेकिन अगर बॉलीवुड में कुछ गलत चल रहा है तो उस पर भी तो बोलना चाहिए। तो अगर आपको बोलना है तो आप उस पर्टिकुलर इंसान के पास जाके बोलो ना, आप दुनिया के सामने रायता क्यों फैला रहे हो। मैं चाहूँगी कि ये जो आने वाला 22 है उनके लिए बहुत लकी हो, क्योंकि 20 और 21 ने तो सबकी हालत ख़राब कर रखी है। तो ये जो आने वाला साल है उनके लिए बहुत अच्छा हो और हम लोग जितनी ज़्यादा पार्टीज़ कर सकते वो यहाँ पे कर सकें। मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊँगी और मैं चाहूँगी कि मीडिया यहाँ बार बार आती रहे और मीडिया को ये लोग फ्री पासेस देते रहें। पता है लाइफ में ना कहते हैं जो इंसान मुसीबतें झेल सकता है ऊपर वाला उसी को मौका देता है, और मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। बट अभी मैं सारी प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी हूँ, मैं लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ और लाइफ में सब कुछ अच्छा है। देखो सी, जब कंगना की बातें होती है ना तो कंगना हमेशा पॉलिटिकल चीज़ों में घुसती है। आई बिलीव कि कंगना को फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए, वो उसके लिए बहुत अच्छा प्लेस है, वहाँ बैठ कर जितना बोलना है बॉलीवुड के लिए बोलती रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फॉर मी बॉलीवुड हमेशा सुपीरियर है हर चीज़ से, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं कंगना को अपने से बहुत अलग रखूंगी और मैं कॉन्ट्रोवर्सीज में घुसना नहीं चाहती थी, कॉन्ट्रोवर्सीज मेरे घर में घुस गई थी, इसलिए मुझे सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। बट हाँ, अभी चीज़ें अच्छी हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप बॉलीवुड का खा रहे हैं तो आप बॉलीवुड के बारे में गलत मत बोलो। लेकिन अगर बॉलीवुड में कुछ गलत चल रहा है तो उस पर भी तो बोलना चाहिए। तो अगर आपको बोलना है तो आप उस पर्टिकुलर इंसान के पास जाके बोलो ना, आप दुनिया के सामने रायता क्यों फैला रहे हो। अगर हम बात करें किंग्समैन की तो क्या क्या अब आप खाने के लिए काफी अच्छी अच्छी डिशेज आप बता देते। मैं 4 महीने जेल में थी तो मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिस कर दी हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे खाने वाली हूँ और मैं सब लोगों को बताने वाली हूँ कि ये बहुत अच्छी जगह है और आपको यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। और मेरे साइड से इनको बेस्ट विशेस। और ये प्लेस सो दीपक, मेरे साइड से दीपक को बेस्ट विशेस, आप सब लोग इन्हें बहुत सारी बधाइयाँ दें। और इनका जो क्लब है ये मैंने यहाँ प्रीवियसली देखा हुआ है, यहाँ पे जो क्लब्स आते हैं वो 1 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं चलते, मैं यहाँ पे 11 साल से हूँ, तो मैं चाहती हूँ ये क्लब आपका हमेशा चले और इसकी जगह कोई और क्लब ना आ सके। थैंक यू सो मच।